हेलो गाइस, वेलकम बैक। बात करेंगे आज एचआईवी एड्स के बारे में। देखो, जो अपने शरीर का सिद्धांत है, जिसको हम डोगमा बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, वो क्या होता है? डीएनए जो है आरएनए को बनाता है, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। मान लो डीएनए एक ब्लूप्रिंट है जिससे कि आरएनए बनता है। आरएनए फाइनली जो है वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से हमारे शरीर के सेल्स बनते हैं, फिर वो हमारा शरीर बनता है, राइट? तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, अब वायरस और बाकी जानवरों में ये डिफरेंस है कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो वो डीएनए हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है, लेकिन दूसरों को का सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, राइट? तो जैसे कि एक वायरस जिसका नाम है एरिथ्रो वायरस, वो जो है ये सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ को फॉलो नहीं करता, वो उल्टा चलता है। वो आरएनए को डीएनए बनाता है और डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ओके, देखेंगे कैसे। और इस एरिथ्रो वायरस में एचआईवी भी आता है। इसको ये ऐसे अंजाम देता है क्योंकि उसके पास एक एंजाइम होता है, स्पेशल एंजाइम होता है, जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ओके, तो ये मान लो ये एक सेल है और उसमें एच आई वी आर एन ए जो है चला गया अंदर, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्फेक्टेड सेल। अब ये एच आई वी आर एन ए जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से, की मदद से, ये वायरल डी एन ए बनाता है। और ये वायरल डी एन ए जो है ह्यूमन डी एन ए के साथ कॉम्बाइन करता है और ये इंटीग्रेशन से ह्यूमन बॉडी को हाईजैक कर लेता है, राइट? मान लो एक आप प्लेन है, प्लेन को आपने हाईजैक कर लिया। अब उस पायलट को आप बोलोगे लेफ्ट चलो राइट चलो, तो पायलट चलेगा। ओके, तो इसी तरीके से ये जो प्लेन है और इसमें जो टेररिस्ट घुसे हुए हैं, वो पायलट को बोलता है कि आप प्रोटीन सिंथेसिस करो, और इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं वायरल प्रोटीन, राइट? नेक्स्ट हम देखेंगे कि एच आई वी का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो देखो, सबसे जो प्राइमरी कॉज है, दैट इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ठीक है? अब देखो, सेक्सुअल सेक्स दो तरीके से हो सकता है, या तो होमोसेक्सुअल हो सकता है, जो कि अननेचुरल होता है। अब क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए होमोसेक्सुअल एच आई वी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, राइट? मेल टू मेल। नेक्स्ट है हेट्रोसेक्सुअल। अब बात इसमें दो बात आती है कि फीमेल मेल, अगर इन्फेक्टेड मेल है उससे फीमेल ज़्यादा होता है, कि फीमेल इन्फेक्टेड है उससे मेल ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, किसके ज़्यादा चांसेस हैं ट्रांसमिशन के। तो देखो, फीमेल ज़्यादा प्रोन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि उसका एक्सपोजर टाइम ज़्यादा होता है जो भी रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स होते हैं। ओके, तो फीमेल इज़ मोर प्रोन। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि 70-80% ऑफ ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं वो एच आई वी इन्फेक्टेड होते हैं, राइट? ये एक रिपोर्ट से मैं बता रहा हूँ। अब बात ये है कि ये इनको दे आर ऑफर्ड चीप सेक्स, और चीप सेक्स में यही होता है, दे आर इन्फेक्टेड विथ एच आई वी। नेक्स्ट मेजर कॉज है एच आई वी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हीमोफिलिक पर्सन्स को जब दिए जाते हैं, हीमोफिलिक पर्सन वो होते हैं जिसमें क्लॉटिंग नहीं होती है, किसी को उनको चोट लगा तो उनका ब्लड जो फ्लो करता रहता है, तो उनको ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, इसमें 13-14 प्रोटीन्स होते हैं। कई बार क्या होता है, ये 13-14 प्रोटीन्स जब हम इस बंदे को देते हैं जो हीमोफिलिक होता है, तो उसमें वो इन्फेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो भी एच आई वी इन्फेक्ट हो जाता है। अच्छा, बात यह है कि एच आई वी जब आपके बॉडी में एंटर करता है, तो एंटर करने से 15 दिन तक उसको हम लोग बोलते हैं विंडो पीरियड, राइट? वो ये सारे काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिर ह्यूमन डीएनए से इंटीग्रेशन। तो एक अगर आपको मशीन से डिटेक्ट करना है, और मशीन तभी डिटेक्ट कर पाएगी जब उसकी थ्रेशोल्ड कंसेंट्रेशन है, ओके, तो उसको 15 दिन लग जाते हैं। इस बीच में अगर उस बंदे ने ब्लड को डोनेट किया, ओके, तो जिसको वो ब्लड मिलेगा, भाई वो बंदा गया। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इन्फेक्टेड नीडल्स की, इंट्रानियस यूज ऑफ ड्रग्स की, टैटूइंग की, ठीक है? अब इतने ज़्यादा अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बढ़ गए हैं कि वो जो है पैसे को बचाने के लिए एक नीडल किसी पे इंसर्ट किया, वो दूसरे पे भी इंसर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि
ड्रग्स जो है, इन्फेक्शन जो है एक बंदे से दूसरे बंदे फैलता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स में क्या होता है, जो भी नॉर्थ ईस्ट में या पूरे इंडिया में कहीं पे भी लोग एक बंदे पे वो इंसर्ट करेंगे, फिर दूसरे बंदे को उसी सिरिंज को यूज़ करते हैं, इसे क्या होता है इन्फेक्शन फैलता है। नेक्स्ट टैटूइंग से, टैटू लगाने से भी इन्फेक्शन फैलता है। नेक्स्ट इज MTCT, मदर टू चाइल्ड ट्रांसफ़र। देखो मदर टू चाइल्ड ट्रांसफ़र में तीन फेज में जो वायरस फैल सकता है, पहला देखो है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि मदर टू फीटस, ठीक है, इसमें फीटस क्योंकि सारा खाना पीना सारे न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन सब मदर से ले रहा है, तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी, क्योंकि इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। नेक्स्ट है आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ क्योंकि चाइल्ड जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो कंज्यूम करता है, उसमें जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम में भी इन्फेक्शन आ सकता है, राइट। तो डेवलप्ड कंट्रीज में एक कंसेप्ट चलता है डोनर मदर कोलेस्ट्रम, वो ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं कोलेस्ट्रम को, ओके। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में इतना फंड नहीं है, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसको ठीक है डीप फ्रीज करके रखें, राइट। तो इंडिया में करंटली मान लो अगर 100% एड्स से ग्रस्त हैं तो 5 बंदे उसमें MTCT होते हैं, मतलब कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। अब कंट्रीज जिसमें कि 2% से कम MTCT केस होते हैं उनको WHO PMTCT स्टेटस देता है, राइट, प्रिवेंशन ऑफ MTCT स्टेटस। 2015 में ना तो अमेरिका, ना तो कनाडा, ना तो ब्रिटेन, ना तो यूरोपियन कंट्रीज, क्यूबा छोटे से कंट्री है वो पहली कंट्री बनी PMTCT को अचीव किया उसने। और एशिया में वो जापान नहीं था, वो चाइना नहीं था, बल्कि वो थाईलैंड था, दैट वॉज फर्स्ट कंट्री टू गेट PMTCT स्टेटस बाई WHO। अब नोट वन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि बॉडी फ्लूइड, स्वेट, सलाइवा, यूरिन और फीसेस जो HIV को नहीं ट्रांसमिट करते हैं जब तक कि उसमें ब्लड स्टेन ना हो, ठीक है। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट कि मॉस्किटो से HIV का अभी तक कोई केस नहीं आया है, राइट। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।